नमस्कार, मैं हूं जावेद खान और आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। यदि आप में टैलेंट हो तो आपकी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाती है। कुछ ऐसा ही हुआ भूपेंद्र राजपूत के साथ। क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में देसी क्लाउड गुरु के नाम से मशहूर भूपेंद्र राजपूत की उम्र 33 साल है और मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। भूपेंद्र के चैनल टेक्निकल गुफ्तगू पर करीब 3 लाख सब्सक्राइबर हैं और आज वह यूट्यूब पर एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं, जिनमें ज्यादातर लोग भारत और पड़ोसी देशों से आते हैं। उनका चैनल टेक्निकल गुफ्तगू न सिर्फ लोगों को हिंदी में सभी नवीनतम तकनीक सिखा रहा है, बल्कि लोगों को पैसे की भी बचत करा रहा है। एक खास मुलाकात भूपेंद्र राजपूत के साथ। नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं ये दौर जो है वो यूट्यूब का है और अगर यूट्यूब से शिक्षा ग्रहण करने की बात आती है तो सैकड़ों हज़ारों प्लेटफॉर्म आज मौजूद हैं। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है हमारे साथ मौजूद टेक्निकल गुरुजी, तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये टेक्निकल गुरुजी ही कहे जाएंगे, लेकिन ये करते हैं टेक्निकल गुफ्तगू। आइए मिलते हैं इनसे। शुभनाम जी। शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम है भूपेंद्र राजपूत और टेक्निकल गुफ्तगू का मैं फाउंडर हूँ और अपना यूट्यूब चैनल इसी नाम से चलाता हूँ। तो ये जो चैनल आप चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है और कैसे आइडिया आया और इसकी क्या क्या खास बात है, थोड़ा इस पर? देखिए सर, इसका आइडिया मुझे आया जब मैं सन 2018 में, मैं 6 साल तकरीबन मैंने कंपनी में एज अ ट्रेनर जॉब करी और मैंने जो महसूस किया कि उत्तर भारत के बच्चे, खासतौर पर हमारे यूपी के बच्चे, क्योंकि मैं खुद यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ बुलंदशहर ज़िले से, और मैंने महसूस किया कि हम खुद ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ अंग्रेज़ी ना हमारे घर में बोली जाती है, ना हमारे जीन्स के अंदर है कि हम अंग्रेज़ी को समझ सकें या अंग्रेज़ी में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ सकें। अंग्रेज़ी हमारे लिए हमेशा एक सेकेंड लैंग्वेज रही है। तो मुझे ये एक चीज़ महसूस हुई कि यार, जो बच्चे हैं, जब मैं ट्रेनिंग कराता था तो मैक्सिमम जितने भी मेरे नॉर्थ इंडिया के बच्चे आते थे वो मुझसे गुजारिश करते थे कि सर आप एक काम करें, आप हिंदी में भी इसको ज़रा समझा दें, आप ये एग्जाम्पल ना हिंदी में एक बार देख के बता दें, हमें नहीं समझ आया। तो मैंने महसूस किया कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा बच्चा समझ तो सकता है, हमारा बच्चा कर तो सकता है, पर उसको समझाने के लिए जिस बुनियादी भाषा की, जिस ज़बान में वो बात करता है, सोचता है, सीखता है, उसमें वो कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। और तब मुझे ये आइडिया आया कि यार, उत्तर भारत का बच्चा क्यों हमारा पीछे है, क्यों आज आईटी इंडस्ट्री में हम ये कहते हैं कि साउथ के लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं आईटी इंडस्ट्री में। आप देख लें, चाहे आप सुंदर पिचाई का नाम ले लें, चाहे सत्य नडेला का नाम ले लें, दोनों ही साउथ से ताल्लुक रखते हैं। आज उत्तर भारत का कोई भी व्यक्ति इन बड़ी कंपनीज में काबिज या CEO की तक पोजिशन तक नहीं पहुँचा। तब मैंने ये महसूस किया कि यार, हमारे बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि उन्हें वो तकनीकी शिक्षा उनकी भाषा में मिल ही नहीं पा रही। तो आइडिया मुझे यहाँ से आया और इसकी शुरुआत मैंने वीडियोस अपलोड करने की सन 2018 में की। और विज़न यही था सर कि उत्तर भारत के बच्चों को, जिन्हें अंग्रेज़ी में कोर्सेज अवेलेबल हैं पर हिंदी में पढ़ने हैं, उसको यूट्यूब पर मुफ्त में इन लोगों तक प्रोवाइड कराना है। तो विज़न आपने बता दिया, इसमें जो सिलेबस की जो फीस वगैरह है वो आपने, जैसे आजकल जो दौर चल रहा है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है और वहाँ का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सिलेबस है वो आपने किस फीस में रखा है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले क्या सर्टिफिकेशन आपका उतना काम करेगा या नहीं? देखिए सर, मैं इस बात को मैं बड़े कई बार अपने YouTube पे तो मैं बड़े खुलेआम कहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपनी बात आप खुलेआम रख सकते हैं। हिंदुस्तान की पूरी शिक्षा व्यवस्था को कैप्चर कर लिया गया है। कुछ चुनिंदा व्यापारी वर्ग कह लें, आप कुछ चुनिंदा ऐसे धन्ना सेठ कह लें, आप किसी भी ज़िले में चले जाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगे और ज़िले में एंटर करते ही आपको बड़े बड़े होर्डिंग मिल जाएंगे। एडमिशन्स का टाइम आते ही टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर बड़े बड़े अखबार भर जाते हैं उनके, मतलब अगर एक अखबार 40 पन्नों का है तो 20 पन्नों पे सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के इश्तेहार होते हैं। शिक्षा का व्यापारीकरण हो चुका है। बीटेक की फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, 2.5 लाख से 3 लाख रुपये एक साल की फ़ीस ली जाती है, 4 साल का कोर्स होता है। किसान परिवार का बच्चा, जो एक गरीब बच्चा है, जिसे ये लगता है कि जब TV पे ऐड आता है कि ये बच्चा साइंटिस्ट बन रहा है, ये बच्चा हवाई जहाज पे काम कर रहा है, उसे लगता है यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ सिखाया जाता होगा। बेचारे माँ बाप को भी यही लगता है, लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर है। आज हकीकत ये है कि वहाँ 2.5 से 3 लाख रुपये बच्चे से BTech के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ क्वालिटी ऐसी दी जाती है कि उनमें से 10% बच्चा भी BTech करने के बाद जॉब हासिल करने के काबिल नहीं है। और ये मैं खुलेआम आपकी मीडिया पर खुलेआम कह रहा हूँ। बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर भारत में, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन सब के सब सिर्फ एक विज़न पे चलते हैं, बॉस कमाना है। और ऐसे में हमने सर ये अपना एक विज़न हम लेकर आए हैं
कि बस जो गैप है इंडस्ट्री का और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो पास आउट होते हैं उसको कम करना है। तो हमने जो अपनी फ़ीस रखी है वो इतनी रखी है कि शायद आज स्कूल के ट्यूशन की फ़ीस भी बच्चे की उससे ज़्यादा होती होगी। हमने सर 2,500 रुपये की फ़ीस रखी है, जिसमें हमारा कोर्स मिनिमम 2 महीने चलता है, मैक्सिमम 4 महीने चलता है। 2 से 4 महीने आपको पूरे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज कर सकता हूँ कोई भी ट्रेनिंग अगर आपको इस कीमत पर मिल जाए। ये भी हमें इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि मैंने भी कुछ ट्रेनर्स और हिंदुस्तान के चुनिंदा ट्रेनर जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, उनको रिक्वेस्ट करके मैं लेकर आया हूँ और उनसे हम पढ़वाते हैं। मिनिमम फीस पे हम पढ़वाते हैं, जिसमें हम बच्चों को 2 चीज़ें देते हैं। एक, हमारी सारी ट्रेनिंग एक्सक्लूसिवली हिंदी उर्दू में होती है, अंग्रेजी में हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं कराई जाती। दूसरी बात, ट्रेनिंग कम्प्लीशन का सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाता है, साथ ही साथ जॉब के लिए भी हम कमिटमेंट किसी को नहीं देते। बच्चा हमसे पूछता है जॉब दिलवाओगे, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं दिलवाएंगे, उस काबिल बना देंगे, कर सकते हो तो कर लेना। तो जॉब के लिए हम कोई सपोर्ट किसी को नहीं कहते, पर क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे मेरे खुद के पर्सनल लिंक्स हैं जिसकी वजह से लोग अप्रोच करते हैं कि सर मेरे पास वैकेंसीज़ हैं, अगर आपके पास कैंडिडेट्स हैं तो प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि उनको भी पता है कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे खुद हम भी प्लेस करा रहे हैं। हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा, उसमें कमेंट सेक्शंस में जाकर देखा तो पता चला कि अब्रॉड से जो हैं काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है कि वहाँ से लोग फॉलो करना शुरू कर चुके हैं, और ख़ास जगह कौन सी है जहाँ से फॉलोअर्स आपके बढ़ रहे हैं, ये जानना चाहेंगे। देखें, एक बात समझें कि मोहब्बत की ज़ुबान कही गई है उर्दू, और मेरे खुद के लहजे में आपने देखा होगा मेरी वीडियो की शुरुआत ही होती है गुड मॉर्निंग नमस्ते अस्सलाम वालेकुम के साथ। तो मैं अपनी वीडियो का जो एंड करता हूँ, जो अंत उसका करता हूँ, वो मैं हर शायरी के साथ करता हूँ। हर वीडियो में आपको शायरी ज़रूर मिलेगी। तो मेरा जो मिजाज है, मेरी जो गुफ्तगू करने का अंदाज़ है, जिस वजह से मैंने चैनल का नाम भी टेक्निकल गुफ्तगू रखा, हिंदी और उर्दू में एक्सक्लूसिवली हमारा चैनल है। और हिंदी और उर्दू ज़बान ऐसी ज़बान नहीं है जो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित है, आज पाकिस्तान पूरा, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान में तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सारे का सारा बच्चा मुझे पढ़ता है। मेरे पास कमेंट सेक्शन में आते हैं कि सर मेरी पूरी क्लास आपको फॉलो करती है और सारे वीडियोज़ आपके देखती है। देखिए, इसका कोई दायरा नहीं है, इसका कोई बॉर्डर नहीं है, रंजिशें अपनी जगह हैं, लेकिन जो एजुकेशन है इसकी बाउंड्री नहीं होती। आप समझें इस बात को, हम तालीम दे रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं, और वो जहाँ तक पहुँच सके। अफ़गानिस्तान के बच्चे जहाँ आज तालिबान काबिज़ हो चुका है, वहाँ के बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपको पढ़ रहा हूँ मैं। आप समझें इस बात को कि अगर शिक्षा वहाँ तक पहुँच रही है, इस ज़रिए से पहुँच रही है, यूट्यूब के ज़रिए से पहुँच रही है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, US, कनाडा खास तौर पे, और UAE, कतर, और यहाँ पर भी मेरी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है जो आप हमारे कमेंट सेक्शन में देखते ही हैं। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र राजपूत जी, जो यूट्यूब के माध्यम से ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को दे रहे हैं जिसके ज़रिए से वो अपना स्किल उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जहां से उनकी जॉब की आसानी, जॉब जो है वो बहुत आसान हो जाए। कैमरा पर्सन उस्मान अली के साथ जावेद खान, समाचार A to Z, आगरा।